हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस साल बारिश कहीं ज्यादा तो कहीं कम हो रही है, लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि गांव के गांव डूबे जा रहे हैं, मकान बहे जा रहे हैं, कटान की जद में खेत खलियान और आपके अरमान भूलकर बर्बाद हुए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाथों की लकीरों में समा गया है बाढ़ का पानी, लेकिन किस्मत के इस लेखे को काटने वाली राज की बात भी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हालात मुश्किल में हैं। बाढ़ में सरकार दर्द बांटे, इसके लिए सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को हवाई सर्वेक्षण के लिए भेजा। जैसे ही बाढ़ वाले क्षेत्र में हेलीकॉप्टर आया, राहत का माया जाल मंत्री को दिखाने के लिए एक नाटक शुरू हुआ। आसमान में मंत्री जी और जमीन पर जेसीबी चलने लगी, कुछ ऐसे जैसे तटबंध बनाया जा रहा है। मकसद उड़न खटोले में बैठे मंत्री जी को दिखाना है कि जमीन पर काम चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वो देखकर यकीनन आप भी माथा पीट रहे होंगे। बरसात के मौसम में फर्क मिट जाता है गांव और शहर में रहने का, फर्क मिट जाता है महानगर और किस छोटे शहर के मोहल्ले में रहने का, फर्क मिट जाता है नगर निगम और ग्राम पंचायत का वासिंदा होने का। आसमान अपनी रंगत में आता तो सारे फर्क को पानी पानी कर देता है। लालू जी बेटे बेटा सर, कितना लोग हो गए? इन लोग को लगभग 8 लाख लोग जो है प्रभावित। बेबसी की इन्हीं लकीरों को स्थायी तौर पर मिटाने के लिए बड़े बड़े प्लान बने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, देश को बाढ़ व सूखा से बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक बेफिक्री ने इसे राज की बात में तब्दील कर दी। आंकड़े कहते हैं कि भारत का लगभग 12.5% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, ये ऐसे 10 राज्य हैं जो हर साल बाढ़ से हुई बर्बादी को झेलते हैं, लेकिन स्थायी इंतजामों के नाम पर आज भी हालात नील बटे सन्नाटा है। अचानक ऊपर ले आया आप बस को? बस को ऊपर नहीं, मैं नहीं लेके आया, पानी में तैर करके ऊपर आई है। बाढ़ की विभीषिका इस तरह से गंभीर हो रही है कि राजस्थान तक में इसकी दस्तक हो चुकी है। जल के जलजले के बीच, जमी तस्वीरों के बीच राज की बात यह है कि साल दर साल आने वाले सैलाब को काफी हद तक काबू किया जा सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर ना उतारा जाए। अब नदी जोड़ो परियोजना को अगर आसानी से समझाएं तो इसका मतलब ये है कि जिन नदियों में पानी बहुत ज्यादा है उनका पानी उन नदियों में स्थानांतरित कर दिया जाए जिनमें पानी कम है या सूखी है। देश की नदियों को आपस में जोड़ने का प्लान देश में 162 साल पुराना है, लेकिन इसका हश्र लाखों की लागत से बनने वाले पुलों की तरह हो रहा है जो बनते हैं और बहते रहते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है पहुंच पथ पुल का वो टूट रहा है। जेसीबी लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, पुल निर्माण निगम के लोग लगे हुए हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आखिर इतनी जल्दबाजी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों हैं? इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं।
1858 में नदी जोड़ो योजना को लाने वाले अंग्रेज इंजीनियर ने सोचा भी नहीं होगा कि यह भारत है जहां फैसले कई बार चींटी की चाल से भी धीमे चलते हैं। आजाद भारत में सबसे पहले 1969 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री केएल राव ने गंगा कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया और साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वर्ष 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार करने और 2016 तक इसे अमली जामा पहना देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। 5,60,000 करोड़ रुपए की परियोजना वाजपेयी सरकार में नदी जोड़ो परियोजना को रफ्तार और विस्तार दोनों देने की बात कही गई, लेकिन उनकी सरकार चली गई। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में इसे देश व पर्यावरण के लिए विनाशक बताकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। 2014 में मोदी सरकार ने आने के बाद अटल की इस परियोजना पर काम करने की बात तो कही, लेकिन उसे अपेक्षित गति नहीं मिल सकी। बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए 30 लिंक के जरिए 37 नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था। इसमें प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर नहरें खोदनी पड़ेंगी। इन नहरों के जरिए नदियों के पानी को रोका और डाइवर्ट किया जा सकेगा और जहां पानी की कमी होगी वहां ये पानी भेजा जा सकता है और जहां सैलाब होगा वहां के पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान पर युद्ध स्तर पर काम कब दिखेगा। इस प्लानिंग में 3,000 स्टोरेज डैम बनाने की भी प्लानिंग कागजों पर तैयार होकर धूल फांक रही है। यह इतनी बड़ी योजना है जिसे जमीन पर उतार दिया जाए तो जल के जलजले से देश को काफी हद तक बचाया जा सकता है। देश में नदियों को जोड़ने के लिए हिमालयी हिस्सों में 14 लिंक प्रस्तावित है जिसके तहत गंगा और ब्रह्मपुत्र पर जलाशय बनाने की योजना है, जबकि प्रायद्वीप की नदियों के विकास के लिए 16 लिंक बनाने का प्रस्ताव है जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगारी नदी को जोड़ने की परिकल्पना है। बीते 6 दशकों में देश को बाढ़ से लगभग 4.69 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है और अनुमान है कि साल 2050 तक जो बाढ़ से नुकसान होगा वो GDP का लगभग 2.8% होगा। ये अथाह जल और बाढ़ की बर्बादी, उसके बाद भी 60 करोड़ से ज्यादा भारतीय पानी के संकट से भी जूझेंगे। मतलब साफ है कि जब तक नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर नहीं उतारा जाएगा तब तक भविष्य के पानी का संकट भी देश के सामने खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि ये भगीरथ कौन होगा। निकाल, जल्दी निकाल, निकाल। बाढ़ से निपटने के लिए हर साल केंद्र और राज्य सरकारें पैसा तो बहाती हैं, लेकिन फायदा किसी को नहीं मिल पाता है। भी नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक कोई सहायता तो नहीं मिला है। और आप पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज तक कभी, पहले से लेकर आज तक कभी कोई सहायता नहीं मिला है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नदी जोड़ो परियोजना पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। नदी जोड़ो परियोजना का देश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है केन बेतवा नदी संपर्क योजना, जिसमें खासी प्रगति हुई। इस नदी संपर्क के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है, जिसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई, जल, विद्युत और पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में नर्मदा और छिप्रा नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को बाढ़ और प्यास के संकट से बचाया गया है। यानी देश ने इस तरह का एक मॉडल पहले ही देखा है। मतलब साफ है और यही राज की बात है।
कि अब नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है, वरना हर साल की तरह यूपी बिहार से लेकर असम तक कहीं कोसी का प्रकोप होगा और ब्रह्मपुत्र अपनी बाहें फैलाए होगी और यूपी से आई फरेबी जेसीबी चलाने की मशीन की तरह ही तंत्र बाढ़ से निपटने का स्वांग रचता रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।